ओम शांति। 63 जन्म मुझ आत्मा से अलग अलग तरह से विकर्म हुए। पापों का बोझा बढ़ता गया। संगम युग में बाबा से मिलन मनाने के बाद आत्मा ने जितने भी विकर्म किए, छोटे बड़े, जाने अनजाने, उन सब का बोझ आत्मा पर 100 गुना चढ़ता गया। मैं आत्मा अपने बाबा के साथ अपने किए हुए विकर्मों के बोझ से मुक्त होने लगी हूँ। अपने को हल्का, बाहरी सभी बातों से मुक्त करते हुए मैं आत्मा अपने को चमकती हुई बिंदी अनुभव करती हूँ। और अपने सामने अपने बाबा को देखती हूँ। बाबा मेरे बिल्कुल सामने, बिल्कुल पास खड़े हैं। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा। और मुझे एक ऐसे स्थान पर ले जा रहे हैं जो दुनिया की भीड़ से बिल्कुल अलग, एकदम शांति से भरा है। हम दोनों समुद्र के किनारे पर बैठते हैं। बाबा मेरे दोस्त के रूप में मेरे बिल्कुल पास बैठे हैं। और मैं बाबा को अपने किए हुए इस जन्म के विकर्मों का सारा खाता सच सच बता रही हूँ। मैंने जाने अनजाने में जो पाप किए, जो गलतियां की, मैं बाबा को सब कुछ सच सच बताती जा रही हूँ। और बताते समय अपने को एकदम हल्का महसूस करती जा रही हूँ।
ब्राह्मण जीवन में आने के बाद मुझ आत्मा से जो भी विकर्म हुए, जो भी गलतियां या पाप कर्म हो गए, मैं आत्मा बाबा को उनके बारे में भी सच सच बताती हूँ। छोटी बड़ी अपनी हर गलती आज मैं बाबा को बताने जा रही हूँ, और बताने के समय सब कुछ बाबा को देती जा रही हूँ और हल्की होती जा रही हूँ। मुझसे जो भी छोटी बड़ी विकर्म हुए, मैं बाबा को देती जा रही हूँ, और बाबा भी मुस्कुराते हुए सब कुछ सुन रहे हैं। साथ साथ मैं अपने 63 जन्मों के सभी पापों को, सभी विकर्मों को बाबा को देती हूँ। मैं दिल से पूरी ईमानदारी से अपने बाबा को कहती हूँ, बाबा मैं आत्मा इस जन्म में नहीं जानती कि मुझसे क्या क्या विकर्म 63 जन्मों में हो गए। मैं अपने पापों के बोझों के बारे में भी नहीं जानती, पर बाबा मैं आपको वो सब पाप, वो सब विकर्म, उन सब का बोझा दिल से दे रही हूँ। मैंने जाने अनजाने में जो गलतियाँ कर दी, उन्हें ठीक तो नहीं किया जा सकता, पर मैं आत्मा दिल की गहराई से आपसे उन सब गलतियों की माफी मांगती हूँ। मैंने जिनके भी प्रति जो भी गलत किया हो, मैं उनके लिए भी माफी मांगती हूँ। बाबा, जाने अनजाने मैंने अगर किसी का भी जरा सा भी नुकसान किया हो तो मुझे क्षमा करें, और बहुत गहराई से मैं आत्मा महसूस करती हूँ कि पूरी दुनिया में एक भी आत्मा अब ऐसे नहीं है
जिनके लिए मेरे मन में क्षण भर का भी कोई व्यर्थ संकल्प हो। मैं आत्मा सभी को एक ही संकल्प से देखती हूँ कि ये आत्मा है, बस। मैं अपने सभी बोझों को बाबा को दे करके एकदम हल्का महसूस कर रही हूँ। अपनी हर बात बाबा को बता करके बिल्कुल हल्का महसूस कर रही हूँ। सिर्फ बिंदी ये एक पार्ट मुझ आत्मा को अब याद है, इसके सिवाय मुझ आत्मा को कुछ भी याद नहीं। मैं बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। ओम शांति। मन की आंखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आंखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगूं। बाबा मेरे, पवित्रता की शक्ति को बढ़ाएं। बाबा को बड़े ही प्यार से, बड़ी ही भावना के साथ परमधाम से नीचे आने के लिए बच्चे की तरह पुकारे, बाबा आ जाओ जल्दी जल्दी। एक सेकंड के ही बीच में बाबा को अपने सामने देखें, ब्रह्मा बाबा के तन में। बाबा मुस्कुरा रहे हैं। अब बाबा से कहें कि बाबा अपनी ही तरह मुझको अपने इस मीठे मीठे सिखी लदे बच्चे को पवित्र बना दे। खुद को हल्का हो सके तो हाथों की उंगली को दोनों तरफ से जोड़ ले, एक दूसरे से उंगलियां क्रॉस कर ले। अपने कंधों को
रखें और बाबा की आंखों में देखें। बाबा की आंखों से तेज प्रकाश मेरे पैरों की उंगलियों में आ रहा है। महसूस करें कि उंगलियां गर्म होने लगी हैं और जलने लगी हैं। बाबा की किरणें उंगलियों से ऊपर एड़ी तक का पोर्शन जला रही है। ये पैर जलने लगे हैं। पैरों को चलता हुआ महसूस करें बाबा की किरणें ऊपर और शरीर को चला रही है। पूरा शरीर चल रहा है। दोनों गर्दन सिर तक का सारा पोर्शन बहुत एकाग्रता से चलता महसूस करें। जलने की आवाज भी सुने। सारा शरीर जल चुका है। बहुत गहराई से महसूस करें। कि मैं आत्मा बच गई आजाद मुक्त अब साक्षी होकर के देखें। राख को भी चला रहे हैं।
और बाबा की आंखों से निकलती हुई किरणों से एक और शरीर बन रहा है। यह शरीर क्रिस्टल का है, इसमें कोई दाग, कोई धब्बा, कोई बुराई, कोई अपवित्रता नहीं है। ये बिल्कुल हल्का रंग बिरंगी किरणों से भरा हुआ है। बाबा रंग बिरंगे मोती इस शरीर में डाल रहे हैं और यह सूक्ष्म शरीर जगमगा रहा है। मैं इस शरीर में प्रवेश करती हूँ महसूस करती हूँ। मैं हर प्रकार की अपवित्रता से मुक्त, एकदम हल्की, एकदम प्योर फरिश्ता हूँ। ओम शांति। देखूं मैं जहां भी रूप तेरा ही सामने आए, वर्षा वरदानों की मेरे मन पे तू बरसाए, रूहानी दृष्टि दे दे, रूहानी दृष्टि दे दे। इतनी दुआएं
मन के लिए पवित्रता का श्रेष्ठ महत्व होता है। सभी ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र बनना चाहते हैं। आइए आज हम बाबा की छत्र छाया में बाबा के सहयोग से अपने अंदर संपूर्ण पवित्रता को धारण करें। अपने को हल्का छोड़ दें। महसूस करें कि मेरा स्थूल शरीर एकदम हल्का सभी बातों से मुक्त हो चुका है। अब धीरे धीरे अपनी चेतना को अपने सूक्ष्म शरीर को अपने स्थूल शरीर से निकलता हुआ देखें। बिल्कुल मेरी ही तरह यह लाइट का सूक्ष्म शरीर मेरे सामने दिख रहा है। मेरा सूक्ष्म शरीर उसे दूर जाता हुआ देखें और महसूस करें कि सूक्ष्म शरीर एक कमरे में जाकर के बैठ जाता है। यह कमरा दुनिया से बहुत दूर है, कहीं दूर दूर तक कोई भी नहीं, बस मेरा सूक्ष्म शरीर एक कमरे में और महसूस करें कि बाप दादा मेरे बिल्कुल सामने आकर के बैठे हैं। बाबा की भृकुटी से बहुत सारी किरणें निकल रही हैं। कहती हूँ बाबा अपने इस बच्चे को संपूर्ण पवित्र बना दो, इतना पवित्र बना दो बाबा कि किसी की कलंक दृष्टि भी पड़ ना सके।
के हाथों से रंग बिरंगी किरणों का झरना बह रहा है। मेरी सारी दबी हुई छुपी हुई सूक्ष्म स्थूल अपवित्रता पैरों से निकल करके मुझसे दूर होती जा रही है। कमरे की खिड़की के द्वारा यह अपवित्रता का काला धुआं बाहर की ओर जा रहा है। अभी बाबा आंखों से तेज पवित्रता की किरणें मुझ में बहा रही हैं और गंदगी अपवित्रता की काली छाया मेरे पैरों से लगातार निकलती जा रही है। लगातार काला धुआं खिड़की के रास्ते जा रहा है। त्रिसठ जन्मों की अपवित्रता को इमर्ज करती हूँ। जितने भी छुपे हुए दबे हुए संस्कार हैं, गलत आदतें हैं, गलत विचार हैं, उन सब को इमर्ज करती हूँ। निरंतर बाबा की दृष्टि मुझ आत्मा पर और मेरे स्वरूप पर जा रही है और मेरे वो इमर्ज किए हुए गलत संस्कारों पर बाबा किरणें डालकर उन्हें अंश समेत भस्म कर रहे हैं। एक बूंद भी अपवित्रता का कोई भी संस्कार बचना नहीं चाहिए। बाबा की तीर किरणें सभी कलर संस्कारों को काले धुएं के रूप में फरिश्ताई रूप बनता जा रहा है। किसी के प्रति मुझ आत्मा में ईर्ष्या द्वेष पुरानी बातें पुरानी भावनाएं पुराने संस्कार अपवित्रता कुछ भी गलत नहीं रहा है। मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी हूँ। काला धुआं निकलना बंद हो चुका है और मेरा रूप निखर चुका है।
पवित्र दृष्टि का तेज गुबारा मेरी पूरी आकृति को निर्माण करने लगा है। एक नया सुंदर चमकीला ड्रेस मेरे सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर चुका है। पूरा शरीर रंग बिरंगी किरणों से भर चुका है और यह रंग बिरंगी किरणों का ऑरा इस पूरे कमरे में फैल रहा है। पूरा कमरा बिना लाइट के भी जगमगा रहा है। यह ऑरा अब पूरे क्षेत्र में फैल रहा है। अब पूरे शहर में फैल रहा है। बाबा किरणें देते जा रहे हैं इस आकृति में, इस सूक्ष्म शरीर में, और यह किरणें पूरे शहर में, पूरे देश में, पूरी सृष्टि में, दुनिया के अंत तक फैल रही है। मैं संपूर्ण पवित्र बन चुकी हूँ। बाबा के साथ उड़ते हुए अपने स्थूल शरीर में प्रवेश करती हूँ। मेरा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर इस तरह मिक्स हो चुका है कि मेरा स्थूल शरीर किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा। मेरा किरणों से भरा हुआ शरीर सभी को अनुभव हो रहा है। इसे जो भी देखता है महसूस करता है कि ये मेरी इष्ट देवी है, ये कोई फरिश्ता है। बाबा प्यार से देखते हुए मुझे विजयी रतन का संपूर्ण पवित्रता का वरदान दे रहे हैं और मैं एकदम हल्का लाइट का महसूस कर रही हूँ। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा, संपूर्ण पवित्र फरिश्ता हूँ हम शक्ति।
ओम शांति। हम बाबा के बच्चों के लिए वो स्थान सबसे महत्वपूर्ण है जहाँ हमारे ब्रह्मा बाबा ने तपस्या की। तो आइए आज हम उस स्थान पर जाते हैं, उस कुटिया में जाते हैं जहाँ हमारे अलौकिक पिता रहा करते थे। अपने को हल्का छोड़ते हुए बाहर की सारी दुनिया को भूलते हुए मैं आत्मा चमकती हुई मणि इस देह से अलग अपने को आत्मिक रूप में देखती हूँ। कितना तेज चमक रही हूँ मैं आत्मा। अब मन की आंखों से मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ उस स्थान पर पहुंचती हूँ जहाँ मेरे ब्रह्मा बाबा दिन रात तपस्या किया करते थे। मैं आत्मा बाबा की कुटिया के बाहर खड़ी हूँ और मन की आंखों से कुटिया को बहुत गहराई से देखती हूँ। धीरे धीरे मैं बाबा की कुटिया की तरफ जा रही हूँ। कुटिया के अंदर मुझ आत्मा का पहला कदम धीरे मैं बाबा के इस पवित्र स्थान के अंदर प्रवेश करती हूँ और यहाँ बैठ जाती हूँ। कितनी खुश नसीब हूँ मैं आत्मा। मैं आत्मा इस दुनिया के सबसे पवित्र स्थान पर बैठी हूँ। मेरी आँखों के सामने ब्रह्मा बाबा बैठे हैं। पूरी दुनिया से दूर, देहधारियों से दूर, अपनी देह की सुध बुध से भी दूर मैं आत्मा
ब्रह्मा बाबा की भृगुटी में चमकती हुई मणि शिव बाबा को देख रही हूँ। जिसे देखने के लिए मैं आत्मा 63 जन्म भटकती रही, जिसे दिन रात पुकारती रही, आज मैं खुश नसीब आत्मा उनके बिल्कुल करीब बैठी हूँ। इस कुटिया में मैं हूँ और मेरे बाबा है। बाबा की किरणें मुझ आत्मा में आती जा रही है और मैं आत्मा स्पष्ट इन किरणों को अनुभव करते हुए अपने में डाल रही हूँ। बाप दादा की दृष्टि से किरणें मेरे पूरे शरीर के अंदर तीव्र गति से जा रही हैं। और यह सूक्ष्म शरीर इन जगमगाती हुई पवित्र किरणों से भरता जा रहा है। मैं एक टक होकर के बाबा को देखती जा रही हूँ। मेरी जन्मों की पुकार, मेरी जन्मों की खोज यहाँ आकर के समाप्त हुई। जिसे देखने के लिए मैं भटकती रही, जिसकी तलाश में रोती रही, वो आज मेरे सामने बैठे हैं। उनकी आंखों से बहता हुआ झरना मुझ आत्मा में गहराई तक समा रहा है। मेरा पूरा सूक्ष्म शरीर बाबा की जगमगाती हुई किरणों से भर रहा है। हल्की होती जा रही हूँ। एकदम हल्की मेरे विकार खत्म होते जा रहे हैं। सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी है। और मैं आत्मा
गहरी शांति का अनुभव कर रही हूँ। एकदम गहरी शांति, मुझे जो पाना था मैंने पा लिया, मैं तृप्त हो चुकी हूँ, संतुष्ट हो चुकी हूँ। बाबा अपना हाथ मेरे सूक्ष्म शरीर पर रखते हैं और मुझ आत्मा के अंदर अपनी पवित्र किरणों की शक्तियां भरने लगते हैं। बाबा की पवित्र धारा मुझ आत्मा में बहने लगी है। मैं बाबा की आवाज में सुन रही हूँ। बाबा कह रहे हैं, बच्ची संपूर्ण पवित्र भाव विजयी भाव माया जीत भाव बाबा के इन वरदानों को मैं आत्मा अपने अंदर गहराई से अनुभव करती हूँ। बाबा मुझे डोली खिला रहे हैं और मैं भाग्यवान आत्मा बाबा के हाथों से डोली खा रही हूँ। मेरी आँखों से आंसुओं का झरना बह रहा है। ये उस मिलन की खुशी के आंसू हैं जिस मिलन के लिए मैं तड़पती थी। भगवान मुझ आत्मा को खिला रहे हैं, मेरे आंसू पूंछ रहे हैं। और मेरे आस पास बाबा अपनी दृष्टि से औरा बना रहे हैं। इस औरे के अंदर मैं फरिश्ता एकदम सुरक्षित हूँ। इस औरे के अंदर मैं पवित्र भाग्यवान आत्मा बाबा के साथ अपना जीवन जीती जाऊंगी। अब मैं फरिश्ता वापस अपने स्थूल शरीर में आती हूँ, इसमें प्रवेश करती हूँ।
बाबा की शक्तियों के प्रकंपन स्थूल शरीर में अनुभव हो रहे हैं। मैं संपूर्ण पवित्र भाग्यवान फरिश्ता हूँ। ओम शांति।